Assalamualaikum guys, this is Danish Sumro and welcome back to my channel store4u.pk. Guys, आज जो हम आपके लिए फोन अनबॉक्स करने जा रहे हैं which is MI 11 Lite. Guys, ये अभी लॉन्च हुआ है MI वालों की 11 सीरीज, जो MI 11 Lite, MI 11 Pro एंड MI 11 जो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो MI 11 Lite है जो कि 44,000 की रेंज में आता है. 44,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस है, मार्केट में ये 42,000 43,000 में जो है सेल आउट हो रहा है. गाइज, इसकी जो की फीचर्स है वो मैं आपको बता दूं. ये जो है 6GB और 128GB में जो है वेरिएंट पाकिस्तान में आता है. इसका जो प्रोसेसर है, मोस्टली जो है लोग प्रोसेसर के लिए एक्साइटेड होते हैं. इसका जो प्रोसेसर है वो 732 स्नैपड्रैगन है जो कि 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है. बैटरी 4250mAh बैटरी है. इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है. इस बार ये जो फ़ोन आपको दिखेगा हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, इसके जो कैमरा का डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपको डिफरेंट दिखेगा बाकी सारे फ़ोन से. और 6.5 इंच का डिस्प्ले है. सो आगे इसको अनबॉक्स करते हैं, फर्दर इसके की फीचर्स हम डिसाइड करते हैं और चलते हैं इसको अनबॉक्स करने. ये उन्होंने कुछ दिया हुआ है, इसको हम खोल के चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है. एक जो है ये अपना सिम इंजेक्टर टूल दिया है जो कि आपके सामने है, ये सिम इंजेक्टर टूल. और एक सिली ये बुकलेट्स हैं इनकी, ये अपना दो बुकलेट्स दी हैं. और इस बार ये पता नहीं USB टाइप सी टू हेडफोन, वाह सर. इन्होंने जो है कनेक्टर भी दिया है, शायद इसमें 3.5mm का जैक नहीं है तो इन्होंने शायद कनेक्टर दिया है. ये कनेक्टर भी एक है भाई आपके लिए गुड न्यूज़, ये कनेक्टर भी दे रही है कंपनी. और हैंड फ्री तो देती नहीं है बट कनेक्टर दे दिया. सिलिकॉन केस ये आपके सामने. सो ये फ़ोन मेरे हाथ में गाइस. और ये अपना इसको जो है इसके ऊपर जो है की हाइलाइट्स लिखे हुए हैं. की हाइलाइट्स में आप लोगों के लिए पढ़ दूं, वाइब्रेंट 10-bit OLED डॉट डिस्प्ले मींस डॉट डिस्प्ले इसका जो कि 90 हर्ट्ज़ का फ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट इसमें लिखा हुआ है. और फीदर वेट डिज़ाइन एलिगेंट एंड स्लीक मींस इसका फीदर वेट मींस ये फीदर जो है लाइट वेटेड होता है तो इसलिए इन्होंने फीदर वेट डिज़ाइन बताया. क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732 एंड पावर एंड एफिशिएंट परफेक्टली बैलेंस्ड. और हाई रेजोल्यूशन 64MP ट्रिपल कैमरा इसका जो है 64MP ट्रिपल कैमरा. सो अनरैप करते हैं इसका और डिज़ाइन और लुक. सो गाइज, इसको मैं ऑन करता हूँ. ये डिज़ाइन और लुक जो है ये अपना मैं इसको और डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले जो है मैं ये ऑन कर दूँ जब तक ये ऑन हो जाए. सो ऑन होने के बाद ज़्यादा इस पर डिज़ाइन पे बात करेंगे. अभी मैं इनके एक्सेसरीज़ बता दूँ जब तक ये ऑन हो. ये एक डेटा केबल दी है इन्होंने और ये टाइप ए टू टाइप सी है डेटा केबल. ये आपके सामने ही है टाइप ए टू टाइप जो है ये डेटा केबल है इनकी. और ये जो है चार्जर दिया है इन्होंने, 33 वॉट की चार्जिंग है इसमें. और जो चार्जर है वो जो है मैं देखूँ कि वो 33 वॉट का है या नहीं है. सो 27 वॉट का चार्जर है गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि 27 वॉट का चार्जर. ये चार्जर आपके सामने और ये 27 वॉट का चार्जर है इसमें और ये 33 वॉट तक सपोर्टेड है. फ़ोन ऑन हो गया है. सो एक्टिव करने से पहले जो है मैं आपको इसकी डिज़ाइन की बात बता दूं कि इसका डिज़ाइन कैसा है, इसमें क्या फीचर्स हैं. ये फ्रंट पे है, ये इसका जो डिस्प्ले है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है. ओलेड की तो मैं बात कर चुका, ये जो गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है प्रोटेक्शन में. और ऊपर जो है एक इन्फ्रारेड दिया है, यहाँ पर इन्फ्रारेड भी है. ये आपके आपको मैं इन्फ्रारेड यहाँ पर वॉइस कैंसिलेशन है. और इस साइड से जो है इस गाइस कुछ भी नहीं है यहाँ पर. और नीचे अगर देखा जाए तो ये सिम ट्रे है. सिम ट्रे में आपको इंजेक्ट करके दिखा दूँ इसका. सो गाइस, ये सिम ट्रे जो है इन्होंने नीचे चार्जिंग के साथ दी है. ये देख रहे हैं डिफरेंट, इन्होंने डिज़ाइन पे बड़ा जो है वर्क किया है. सो सिम ट्रे, अच्छा सिम ट्रे में आप वन सिम और वन कार्ड लगा सकते हैं या टू सिम, दोनों सिम. ये हाइब्रिड है मींस दो सिम और एक कार्ड नहीं लगा सकते, या तो वन सिम वन कार्ड या तो आपको दो सिमें जो है लगा सकते हैं. और इसके बराबर में जो है इन्होंने दिया है टाइप सी का जैक और 3.5mm का जैक नहीं है. जब ही इन्होंने ये कनेक्टर दिया है आप जो है ये कनेक्टर यूज़ करेंगे फॉर हैंड फ्री 3.5mm जैक. स्पीकर दिया है यहाँ पर जो है, इसका स्पीकर है. और
ये यहाँ पर साइड फिंगर बटन और फिंगरप्रिंट भी है और पावर बटन भी है और यहाँ पर वॉल्यूम बटन। सो गाइस इसको अब एक्टिव करते हैं और आगे देखते हैं जो है इसमें क्या है, इसकी रेजोल्यूशन वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ। सो एक्टिव करते हैं इसको। सो गाइज ये एक्टिव लोडिंग ऐप। सो जब तक मैं आपको कैमरा का बता दूं, पीछे देखें इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है और बाकी जितने भी फोन्स पाकिस्तान में आ रहे हैं अभी इन्होंने ये एक डिफरेंट डिज़ाइन दिया है। और ये डिज़ाइन जो है यहाँ से भी मैं दिखाऊंगी, कैमरा थोड़ा सा जो है ऊपर इन्होंने दिया हुआ है ये एक डिज़ाइन। और ये 3 कैमराज हैं, एक 64 MP कैमरा है इसका जो वाइड है, और 8 MP जो है इसका अल्ट्रा वाइड है, और 5 MP इसका जो है वो मैक्रो कैमरा है और LED फ्लैश के साथ। सो गाइज ये ऐप जो है लोड हो गई। अच्छा गाइज इसकी अगर हम डिस्प्ले की बात करें, 6.55 इंच है और 1080x2400 इसकी रेजोल्यूशन है, और ये 90Hz का जो है रिफ्रेश रेट इन्होंने दिया है। और अंदर अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाऊं कि एंड्रॉयड 11 होगा, मैं ऑब्वियसली फिर भी चेक कर लेते हैं अबाउट डिवाइस में जाके। सो गाइज ये जो है अपना एंड्रॉयड वर्जन 11 है और ये आपके सामने ही एंड्रॉयड 11 वर्जन हमने बता दिया आपको। और बाकी अगर इसकी बात करते हैं अब कैमरा की, तो कैमरा में अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और कैमरा जो है 64 MP मैंने आपको बताया, और अंदर देखते हैं और क्या है। अच्छा ज़्यादातर इन्होंने जो है डिज़ाइन पे काम किया है इसका जो ऑलमोस्ट वेट, अगर इन्होंने डिज़ाइन पे ज़्यादा काम किया है, अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ तो इसका जो वेट होगा वो 157 ग्राम का वेट है। ये बोल रहे हैं ना कि फीदर लाइक डिज़ाइन, तो मीन्स के लाइट वेटेड, और इन्होंने खूबसूरती पर भी काम किया है, एमोलेड भी दी है, प्रोटेक्शन भी दी है, बैटरी भी अच्छी है, वही इतनी 4250 बैटरी इज नॉट वर्स्ट, और प्रोसेसर भी इन्होंने बड़ा बेहतरीन दिया है। गाइस लुक भी आप देखेंगे डिफरेंट है। सो अब आगे इसकी जो है अंदर यूज़ करते हैं इसकी कैमरा, और कैमरा में जो है एक प्रो मोड है और वीडियो है, फोटो है। वीडियो में हमें देखूंगे इन्होंने जो है और अंदर फीचर्स क्या है। वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं 720 और 30 FPS पे हो सकता है, 1080 पे भी हो सकता है, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और ये मूविंग ट्रैकिंग भी है, मींस स्पोर्ट्स कैमरा भी इन्होंने दिया हुआ है, मैक्रो कैमरा भी है इसमें, और फोटो पोर्ट्रेट मोड भी है। गाइस की जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं कि अपना स्लोमो है, टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, डॉक्यूमेंट्स है, 64 शॉर्ट वीडियो है, डुअल वीडियो है। डुअल वीडियो मींस कि आप जो है फ्रंट और बैक दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मूवी इफेक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि हम जो है मूवी इफेक्ट का जो फिल्टर है वो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट कैमरा। सो गाइज इसकी अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो है इसका 16 MP है, जो कि 2.5 अपर्चर के साथ है, 16 MP। उसके रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं फ्रंट कैमरा का, और फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट भी इन्होंने दिया है, दोनों रिजल्ट मैं आपको फ्रंट कैमरा के दिखा दूं। सो गाइज ये अपना फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आपके सामने, इसमें पोर्ट्रेट भी है और दूसरे सारे फीचर्स भी हैं, वही जो डुअल वीडियो है। अच्छा इसमें एक और फीचर दिया है, गुड न्यूज़ फॉर व्लॉगर्स, कि एक और फीचर दिया हुआ है व्लॉग, अगर आपको व्लॉग बनाना है, जो यूट्यूबर्स मेरे भाई हैं व्लॉग के लिए यूज़ करते हैं कैमरा, सो इसमें एक व्लॉग का फीचर भी दिया हुआ है। और फ्रंट कैमरा की ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में ये क्लियरिटी आप देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग है वो क्लियर है, सारी चीज़ें जो है सही से फोकस भी किए हैं, और पीछे ब्लर भी सही किया है। और अगर हम नॉर्मल पिक्चर भी देखें सेल्फी, तो वो दैट इज़ नॉट बैड, मीन्स 16 MP इज़ गुड कैमरा, 16 MP है तो लेंस भी। और हाँ मैंने आपको बताया कि पिनहोल डिस्प्ले ही आपके सामने। और इसकी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, USB कनेक्टिविटी 2.0 दी है इन्होंने, और इंफ्रारेड भी दिया है कनेक्टिविटी, NFC भी चिप भी है इसमें। सो ये सारी कनेक्टिविटीज भी इसमें अवेलेबल है आपके पास। और अपना अब अगर हम बात करें इसकी जो है अपना डिज़ाइन और लुक की, और अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। गाइस अनबॉक्स तो हमने कर दिया है, चार्जर भी हमने बताया, दिस इज़ द MI 11 लाइट,
4250 mAh बैटरी, 732 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, बैक 64 मेगापिक्सल, फ्रंट 16 मेगापिक्सल, 1800x2400 रेजोल्यूशन, 6.55 इंच डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 एंड दैट्स ऑल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर करें। और ये आपके सामने आपका फ़ोन, 44,000 का फ़ोन है, मार्केट में अभी 42,000-43,000 का सेल हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट भी चल रहा है स्टॉक, तो इस वजह से प्राइस वेरी कर रहे हैं। बट जो है अगर नॉर्मली स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा पाकिस्तान में तो ये अपना 42,000 में। अच्छा गाइज, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गाइज, ये आप वीडियो जब सब्सक्राइब करते हैं ये हमें मोटिवेशन होती है कि हमने एक नई वीडियो दी और हमें सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं और हमारा चैनल जो है रन कर रहा है, लोगों के बेनिफिशियल में भी जा रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। आप वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम आपके लिए डिफरेंट कैटेगरी के फ़ोन्स लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सस्ते और अच्छे गैजेट्स और फ़ोन्स आपके लिए अनबॉक्स करें और आपको दिखाएं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।